हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मयूरी कुटीवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जयपुर से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी में पूछे जाने वाला एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और उसका आंसर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी में कितना वेट पुट ऑन होता है या नॉर्मली कितना वेट बढ़ना चाहिए। तो ये जो प्रेगनेंसी का वेट गेन है वो डिपेंड करता है कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कितना था, प्रेगनेंसी लगने से पहले आपका वजन कितना था। अगर आप नॉर्मल वेट के क्राइटेरिया में आते थे, आपका बीएमआई नॉर्मल था, यानी कि 18 से 25 तक के बीच में आपका बीएमआई था, तो उस कंडीशन में आप 12 से 16 किलो वेट पुट ऑन कर सकते हैं। अगर आप अंडर वेट कैटेगरी में थे, यानी कि आपका बीएमआई 18 से कम था, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट पुट ऑन होता है या करना चाहिए, तो लगभग 18 किलो तक, 12 से लेकर 18 किलो तक आप वेट पुट ऑन कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका वेट ज़्यादा था, ओवर वेट थे आप, यानी कि बीएमआई 25 से ज़्यादा था प्रेगनेंसी से पहले, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड होना पड़ता है। आपका जो वेट गेन है वो 7 किलो से लेके 11 किलो तक हो सकता है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे थे या ओबीस थे, यानी कि बीएमआई अगर 30 से ऊपर था, तो उस कंडीशन में आपको और ज़्यादा कंजर्वेटिव होना पड़ता है, अननेसेसरी जंक्स नहीं लेने हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने डाइट का। उस कंडीशन में आपका जो वेट गेन होता है वो ऑलमोस्ट हम जो एडवाइस करते हैं वो 5 से 9 किलो तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।